नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू हो रही है और 4 अक्टूबर तक चलेंगी। इसके लिए पंचकूला स्थित माता मनसा देवी को सजाया गया है। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ ठहर सकते हैं, जिसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। दर्शन और पूजा करने की भी विशेष व्यवस्थाएं हैं। श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर CEO अशोक कुमार बंसल ने बताया कि लक्ष्मी धर्मशाला और लाजवंती गेस्ट हाउस में ठहरने की सुविधा है। मंदिर भंडारा समिति की तरफ से परिसर में 3 जगह भंडारा लगाया गया है। यहाँ पर तीनों समय भक्तों को प्रसाद उपलब्ध करवाया जाएगा। नवरात्रि के दौरान लाखों भक्त माँ मनसा देवी मंदिर में आते हैं। इनमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग, बच्चे आदि होते हैं। ऐसे में उनकी तबीयत खराब होने की संभावना भी बनी रहती है, इसलिए मंदिरों में डॉक्टरों की विशेष टीम मौजूद रहेगी। एक स्थायी डिस्पेंसरी भी मंदिर में काम करती है। एम्बुलेंस मौजूद रहेगी। पंचकूला के DCP की देखरेख में सुरक्षा होगी। CCTV कैमरों के जरिए पुलिस और मंदिर सिक्योरिटी असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखेगी। भक्तों को ऑनलाइन प्रसाद चोला सामग्री की भी सुविधा दी गई है। रूम बुकिंग के लिए भी ऑनलाइन संपर्क किया जा सकता है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।